अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल राय जुनून की लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शबरेज, जिसने कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया है, इसके घर वालों ने कहा भी कि महर की गवाही तुम्हें बचा सकती है, मगर वो ना माना। उधर दूसरी तरफ अलियाना की बातें भी महर ने सुन ली है और रिकॉर्ड भी कर ली, मगर अलियाना ने वो मोबाइल भी तोड़ दिया। लेकिन शबरेज़ की वालदा की हकीकत तो सब घर वालों के सामने आ गई है। महर जैन को मोबाइल ठीक करवाने के लिए कहेगी ताकि गवाही में काम आ सके। महर शबरेज से मिलने थाने जाती है और शायद इसे बता दे कि इस सब में इसकी वालदा का हाथ था, तो वो शबरेज से कहेगी कि ये सब मुझे बर्दाश्त करना था, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही। उधर आलियाना भी आती है और कहती है कि अब तुम्हारे शौहर के पास बहुत कम वक्त है, जितना वक्त एक साथ गुजारना चाहते हो गुजार लो, क्योंकि इसने प्लान तो बना लिया कि वो शबरेज को सज़ा दिलवा कर रहेगी। आलियाना को इसके वकील ने कहा था कि हमारा केस कमज़ोर है, इसीलिए वो परेशान है कि ऐसा क्या करे कि शबरेज को मार दिया जाए। उधर शायद हो सकता है कि जैन फ़ोन ठीक करवाने जाए और फ़ोन ठीक हो जाए और अदालत में गवाही के वक्त काम आ जाए और फिर शबरेज को रिहाई मिल जाए और ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो, मगर आलियाना इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है, इसलिए इसने किसी पुलिस वाले को शबरेज के खाने में जहर मिलाने के लिए रिश्वत दी है और फिर पुलिस वाला खाने में जहर मिला देगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, शबरेज वो जहर वाला खाना खा लेगा या फिर किसी वजह से वो खाना रह जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।